हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बाला, वेलकम टू माय चैनल बाला फैशन। हे गाइस, तो आज एक ट्विस्ट है हमारे चैनल में, तो ये ट्विस्ट आपको एंड में पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द होल वीडियो, प्लीज डोंट स्किप। तो आज हम मग केक बनाने वाले हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ। 1/4 कप आटा, होल व्हीट फ्लॉर हम यूज़ कर रहे हैं, 3 टेबल स्पून गुड़, जैगरी, एंड ये मेजरमेंट्स आपको मैं एक मग केक बनाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर 2 मग केक बनाने हैं तो हम उसको डबल कर सकते हैं क्वांटिटीज को। ये वनीला एसेंस अ फ्यू ड्रॉप्स, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब ये है बेकिंग सोडा अ पिंच, तब एक पिंच, एंड बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, देन ऑयल 1 टेबल स्पून, देन मिल्क 1/4 कप, देन कोको पाउडर और टूटी फ्रूटी। सो हम आज 2 फ्लेवर बनाने वाले हैं, तो एक होगा चॉकलेट मग केक और एक होगा हमारा टूटी फ्रूटी मग केक। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले हम डालेंगे फ्लोर हमारा, पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, देन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। देन हम गुड़ डाल लेंगे। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये पहले हम टूटी फ्रूटी मग केक बना रहे हैं, तो उसके लिए शुरू कर रहे हैं हम। तो अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। तो वैसे ये मग केक की खास बात ये है कि आपको जब भी मतलब क्रेविंग हो कि आपको स्वीट डिश कुछ खाना है, तो आप फटाफट ये प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए, और इसमें हमें सीव भी नहीं करना पड़ता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फटाफट क्विकली आप मिक्स कीजिए इंग्रेडिएंट्स एंड यू आर ऑल डन। अब हम इसके साथ वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले हम मिल्क डालेंगे, फिर हम ऑयल डालेंगे, अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस, थोड़ा सा हमें बस डालना है फ्लेवरिंग के लिए। ये हम अच्छे से मिक्स कर लें। आप ऐसे ही नॉर्मली स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर विस्क भी, ये बलून विस्क है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये कम इंग्रेडिएंट्स है इसलिए नॉर्मली मिक्स कर रही हूँ स्पून से। और गुड़ याद रखिएगा, आपको मिक्सी में ग्राइंड करके उसके बाद यूज़ करना है, वरना उसके पीसेस रह जाएंगे और वो ठीक से फिर मतलब अच्छा नहीं लगेगा, स्वीटनेस डिवाइड नहीं होगी। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालेंगे। ये है हमारा कलरफुल टूटी फ्रूटी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आते हैं हमारा मग्स, हम इसमें अपना केक डाल लेंगे, केक बैटर। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि आपको अपना जो मोल्ड है, जो मग है, उसको ग्रीस भी नहीं करना पड़ता है। तो बस फटाफट कुछ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया एंड आप बना सकते हैं। गाइज, अब हम ऊपर से थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए हम और थोड़ा टूटी फ्रूटी डाल लेंगे एंड डन। अब ये जाएगा माइक्रोवेव में जस्ट फॉर 2 मिनट्स। तो गाइज, ये हमने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है, तो अब हम इसको पावर ऑन करेंगे। हाई पावर में रखना है, 900 में, और इसको स्टार्ट एक बार दबाना है।
अब इसको हमें 2 मिनट सेट करना है। तो ये हो गया हमारा 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स में हमारा मग केक रेडी हो जाएगा। तो गाइस जब तक हमारा 2 मिनट्स में रेडी हो रहा है टूटी फूटी वाला केक, हम बनाएंगे चॉकलेट केक, चॉकलेट मग केक। तो उसके लिए भी हमें पहले व्हीट फ्लोर डालना है। सो 1/4 कप हम व्हीट फ्लोर ले रहे हैं, 3 टेबल स्पून गुड़, पैरासाइड ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। अब हम डालेंगे कोको पाउडर 1 टेबल स्पून। कोको पाउडर तो बेसिक इंग्रेडिएंट है अगर हमें चॉकलेट कपकेक बनाना है तो, कपकेक बनाना है तो। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सेम इंग्रेडिएंट्स हैं पहले वाले जैसे ही, बस कोको पाउडर इसमें हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं क्योंकि हमें चॉकलेट फ्लेवर बनाना है। इसको अच्छे से हमें, क्योंकि गुड़ में जो है मॉइस्चर होता है, तो अच्छे से हमें थोड़ा सा से ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो लम्स ना रह जाए केक में बिल्कुल भी। तो अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं, अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले मिल्क, 1/4 कप मिल्क, वन टेबल स्पून ऑयल। सॉरी गाइस, मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाला ही नहीं, तो वही सेम मेजरमेंट्स हैं, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ ही डालना है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ड्रॉप्स डालेंगे वेनिला एसेंस का, थोड़ा सा बस वो फ्लेवर के लिए और स्मेल के लिए। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको भी मग में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए कितना ग्लॉसी और कितना वो कितना इजीली बन जाता है, ये बस 2 मिनट्स इसको बेक होने में लगते हैं और 2 मिनट्स इसको बनाने में। क्विक डेजर्ट आपको कभी बनाना हो तो आप ये बना सकते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने डाल लिया है हमारे मग में, तो अब ये भी जाएगा माइक्रोवेव में 2 मिनट्स के लिए, सेम डिग्री, सेम पावर, सब कुछ। सो लेट्स गो। तो गाइस ये देखिए हमारे दोनों केक्स रेडी हो चुके हैं, दोनों मग केक्स, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल एंड डिलीशियस लिटरली। सो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे थोड़ा सा ऊपर से। ये गाइस ये बिस्किट है, हम इसको एक छोटा सा डेकोरेशन के लिए रखेंगे। अब ये चॉकलेट सिरप भी हम डाल देंगे थोड़ा सा। ये आप कुछ भी डेकोरेशन के लिए डाल सकते हैं, ऐसे कुछ मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ यही डालना है। आप व्हिप क्रीम डाल सकते हैं, क्रीम चीज डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। फ्रॉस्टिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टूटी फ्रूटी वाले में हमने कुछ नहीं डाला है बिकॉज वो टूटी फ्रूटी ऑलरेडी है, तो हम उसमें डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं। सो गाइस ये तैयार हो गया है हमारा केक, हमारा मग केक। सो गाइस कैसे लगा आपको? ये दोनों मग केक बहुत ही अच्छे बने हैं, टेस्टी बने हैं। जो ट्विस्ट हमने बताया था पहले वो ये था कि आज ये दोनों मग केक मेरी डॉटर ने बनाया है और बहुत ही अच्छा बढ़िया बनाया है उसने। कैसा बना है आप बताइए, उस वॉइसिंग भी उसने ही की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये मग केक ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।